तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर द हार्मोन व्हूज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज शोन इन द गिवन डायग्राम। यानी कि हार्मोन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसका मैकेनिज्म नीचे डायग्राम में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है जिसमें कि एक हार्मोन का एक्शन दिखाया गया है, तो हमें बताना है इस हार्मोन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, दिस हार्मोन विल मोस्ट लाइकली बी सिंथेसाइज बाय द न्यूरल सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। यानी कि ये वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस की सेल से बनता है। सेकेंड ऑप्शन है, दिस हार्मोन कैन नॉट बी थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। यानी कि ये हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोक्सिन नहीं है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, दिस हार्मोन कैन बी डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी कि ये हार्मोन कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है। तो देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 339 पर दो डायग्राम दिए गए हैं जिसमें कि हार्मोन के मैकेनिज्म दिखाए गए हैं। तो पहला डायग्राम है जिसमें कि दिया हुआ है FSH का मैकेनिज्म। तो आपको बता दें, जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रिट होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं वो सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। यानी कि आपको याद रखना है, जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रिट या स्टिमुलेट होते हैं, तो पी फॉर पिट्यूटरी एंड पी फॉर प्रोटीन। यानी कि जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होंगे सभी प्रोटीन नेचर के होंगे। इसलिए यू FSH है, ये यहाँ पे प्रोटीन का मैकेनिज्म दिखाया गया है। इसके बाद है सेकेंड डायग्राम जिसमें दिखाया है इस्ट्रोजन। तो आपको याद रखना है, जितने भी हार्मोन गोनॉड से सिक्रिट होते हैं वो सभी स्ट्रॉयड नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है इस्ट्रोजन का मैकेनिज्म, तो ये स्टेरॉइड नेचर का है इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पहला ऑप्शन था, दिस हार्मोन विल बी मोस्ट लाइकली टू सिंथेसाइज बाय द न्यूरल सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। तो जैसे कि हमने बताया था, हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन निकलते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड से सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस्ट्रोजन दिया हुआ था। दिस हार्मोन कैन नॉट बी थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन, तो ये भी गलत दिया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट है, दिस हार्मोन कैन बी डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो इसका राइट आंसर होगा 3, क्योंकि आपको पता है स्टेरॉइड जितने भी हार्मोन होते हैं जो भी सभी कोलेस्ट्रॉल से डेरिवेटिव होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 3। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें पूछा है इनमें से कौन सी लेबिंग सही है। तो इसके लिए देख लेते हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 326 जिसमें यह डायग्राम दिया गया है और ये कोक्लिया का डायग्राम है। तो सबसे पहले हम इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें तीन स्पेस होते हैं, सबसे बड़ा स्पेस होता है उसे हम कहते हैं सेला वेस्टिबुलाई, देन सेकंड स्पेस या बीच का स्पेस होता है स्केला मीडिया, एंड थर्ड स्पेस होता है स्केला टिम्पैनी। एंड स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे कहते हैं रिजनर मेम्ब्रेन। देन इसके बाद स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी के बीच में पाया जाता है ऑर्गन ऑफ कॉल्टी, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हमें दिया है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बी एंड एफ आर फिल्ड विद एंडोलिम्फ, यानी कि बी यहाँ पे दिया हुआ है एंड एफ यहाँ पे दिया हुआ है फिल्ड विद एंडोलिम्फ। सेकेंड ऑप्शन है सी इज़ फिल्ड विद पेरिलिम्फ, यानी कि सी यहाँ पे दिया हुआ है सी इज़ लिम्फ विद पेरिलिम्फ। एंड थर्ड ऑप्शन है हेयर सेल्स प्रेस्ड अगेंस्ट ई टू जनरेट नर्व इम्पल्स। एंड डी ऑप्शन है डी इज़ द सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड हैज़ ऑडिटरी रिसेप्टर्स, यानी कि यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि आप जानते होंगे ऑर्गन ऑफ क्वालिटी डी पे पाया जाता है और वो सेंसरी ऑर्गन है। तो इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग इन द ह्यूमन ब्रेन इज शोन इन द गिवन सेगिटल सेक्शन बाय लेटर। यानी कि सेंसरी और मोटर सिग्नल को कोऑर्डिनेट करने वाला ब्रेन में प्रेजेंट मुख्य सेंटर को किस लेटर से दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम ब्रेन का डायग्राम दिया गया है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सेंसरी और मोटर सिग्नल को कंट्रोल करता है। तो हम देख लेते हैं इसका डायग्राम जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 320 पे दिया गया है। तो ये ब्रेन का डायग्राम है, तो हम देखते हैं इसमें बीच में है मिड ब्रेन जिसमें कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस पाया जाता है जो कि सेंसरी और मोटर सिग्नल को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे दिया है ए से, तो इसका राइट आंसर होगा 1, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम ऑफ द लोअर लिम्ब बोन ऑफ ह्यूमन अ सेस्मोइड बोन इज डेपिसेटेड बाय द लेटर। यानी कि ह्यूमन के लोअर लिम्ब के इस दिए हुए डायग्राम में सेस्मोइड बोन को किस लेटर से दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं,
ए बी सी डी, और हमसे पूछा गया है इनमें से सेस्मोइड बोन कौन सी है। तो इसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 311 पे, जिसपे कि लोअर लिम का डायग्राम दिया है, जिसमें कि सबसे ऊपर फीमर है, देन पटेला, देन टीबिया, देन फिबला। तो हमसे पूछा है सेस्मोइड बोन इनमें से कौन सी है। तो आप जानते होंगे पटेला, पटेला एक सेस्मोइड बोन है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि पटेला एक सेस्मोइड बोन है, तो इसलिए राइट आंसर इसका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉलिक्यूल शोन इन द गिवन डायग्राम एटीपीएस एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन, यानी कि इस दिखाए गए मॉलिक्यूल में एटीपीएस एक्टिविटी को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके लिए हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 306 पर चलते हैं, जिसपे डायग्राम दिया हुआ है। तो ये दिखाया गया डायग्राम मायोसिन का है, जिसमें इनका हेड एटीपीएस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो हेड यहाँ पे था ए पॉइंट पर, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टली। तो यहाँ पे हमें एक नेफ्रॉन दिया गया है, इसमें पूछा गया है ए एंड बी पॉइंट पर ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 296 पर डायग्राम दिया गया है, जिसमें कि हम देख सकते हैं ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू जैसे जैसे हम नेफ्रॉन में नीचे आते हैं बढ़ती जाती है, और सबसे नीचे सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 1200, देन इसके बाद दोबारा घटती जाती है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 1200 1200, ए पॉइंट पे भी 1200 होती है एंड बी पॉइंट पे भी 1200 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें ईसीजी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और हमें सही स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले हम इसके एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि पी किसे रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस किसे रिप्रेजेंट करता है एंड टी किसे रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, ये डायग्राम एनसीईआरटी के पेज नंबर 286 पर दिया हुआ है, जिसमें कि पी रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन और डी पोलराइजेशन ऑफ द आर्टिया को। देन इसके बाद है क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डी पोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी कि ये वेंट्रिकल के डी पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट में है टी रिप्रेजेंट करता है द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट रीपोलराइजेशन, यानी कि ये रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा फोर, यानी कि टी इज कॉज्ड बाय वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तो इसका राइट आंसर है फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट विच पार्ट एंसर्स डेट द आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट प्रियोर टू द वेंट्रिकल्स, यानी कि ह्यूमन हार्ट के दिए गए डायग्राम में कैसे पता चलता है कि वेंट्रिकल से पहले आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे हमें हार्ट का डायग्राम दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि वेंट्रिकल से पहले आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है। देखिए, इसमें चार पॉइंट दिखाए गए हैं, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे ए है एस ए नोड, बी है ए वी नोड, सी है बंडल ऑफ हेज एंड डी है पुर्किंजे फाइबर। तो हम देख लेते हैं इसका एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम। तो देखिए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 283 पर हार्ट का डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है ए वी नोड, तो ए वी नोड पर ही कंडक्शन डिले होता है, जिसके कारण पहले आर्ट्रिया देन वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी मीन्स ए वी नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि एनसीईआरटी के पेज नंबर 274 पर इसका डायग्राम दिया गया है, जिसमें कि बी यानी कि 40 ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है अंडर नॉर्मल फिजिकल कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंटर ऑफ ओडी विल गार्ड द ओपनिंग ऑफ, स्प्रिंटर ऑफ ओडी किसकी ओपनिंग को गार्ड करता है या फिर किसकी ओपनिंग के बाहर पाया जाता है। तो देखिए, पेज नंबर 261 पर दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे लीवर से डक्ट और गॉल ब्लैडर से एक सिंगल डक्ट आती है जो कि ड्यूडेनम में आके खुलती है। उससे पहले वो पैंक्रियास की डक्ट से कंबाइंड होती है। जहाँ पे ये कंबाइंड होती है उसी को हम कहते हैं हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और जिसकी ओपनिंग पे पाया जाता है स्पिंटर ऑफ ओडी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्पिंटर ऑफ ओडी। द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट सोन इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ह्यूमन गट। यानी कि इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम जो कि पेरिस्टाल्सिस के लिए जिम्मेदार होता है ह्यूमन गट के किस पार्ट में पाया जाता है। तो हमें एक डायग्राम दिया है ह्यूमन गट का और उसमें चार नंबरिंग दी हुई है ए बी सी एंड डी, एंड बीच में ल्यूमन दिया है। हमें बताना है कि इनमें से किस पार्ट में इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो कि पेरिस्टाल्सिस के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 260 देखते हैं जिसमें कि इसका डायग्राम दिया हुआ है। तो ये ह्यूमन गट का डायग्राम है। तो ह्यूमन गट में ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक चार लेयर पाई जाती है, जिसमें सबसे बाहर होती है सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड लास्ट में म्यूकोसा। तो इनमें से इसके सेकेंड पार्ट में यानी कि मस्कुलरिस लेयर में मायंटिक प्लेक्सस पाए जाते हैं, मायंट्रिक प्लेक्सस पाए जाते हैं जो कि पेरिस्टाल्सिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी, तो इसका राइट आंसर है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है ए इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड बी इज ए ग्लैंड। तो यहाँ पे ए एंड बी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम इसका डायग्राम एनसीईआरटी में देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 260 पे दिया हुआ है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर का डायग्राम है जिसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। तो विलाई, और इसमें लैक्टियल होते हैं जिनका काम फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन करना होता है, और यहाँ पे पाए जाते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोने जो कि एक ग्लैंड है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो यानी कि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, यानी कि ए जहाँ पे पाया जाता है लैक्टियल जिसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, एंड बी है जो कि है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोने जो कि एक ग्लैंड है। तो इसका राइट आंसर होगा थ्री, यानी कि बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम शोइंग एनाटॉमिकल रीजंस ऑफ द ह्यूमन स्टमक ए बी एंड सी रेस्पेक्टली रिप्रेजेंट। यानी कि हमें ह्यूमन स्टमक का एनाटॉमिकल डायग्राम दिया गया है और हमें बताना है कि यहाँ पे ए बी एंड सी किसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम देखते हैं जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 259 पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये एनाटॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्टमक का डायग्राम दिया गया है जिसमें कि यहाँ पे फंडक है सबसे पहले, देन कार्डियक, देन पाइलोरिक। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, फंडस, कार्डिया एंड पाइलोरस। ये फंडस है, ये कार्डिया है एंड ये पाइलोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू फोटोपेरियोडिज्म द शॉर्ट डे प्लांट, द लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट आर रिप्रेजेंटेड रेस्पेक्टली बाय। यानी कि इनमें से कौन शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड न्यूट्रल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यहाँ पे तीन डायग्राम दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट, देन लॉन्ग डे प्लांट एंड न्यूट्रल प्लांट को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 251 देखते हैं जिसपे डायग्राम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग के लिए एक क्रिटिकल टाइम पीरियड से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, और जिनमें क्रिटिकल टाइम पीरियड से कम लाइट की ज़रूरत होती है उन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, और जिन पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उन्हें डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले दिया है ए, तो ए क्या है, ए है लॉन्ग डे प्लांट, बी है शॉर्ट डे प्लांट एंड सी है डे न्यूट्रल प्लांट। तो इसका राइट आंसर होगा टू, क्योंकि सबसे पहले पूछा था शॉर्ट डे प्लांट, देन लॉन्ग डे प्लांट एंड लास्ट में न्यूट्रल प्लांट। तो इसका बी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ आर रूट इलोंगेटिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। यानी कि यदि रूट या फिर जड़ में कॉन्स्टेंट रेट से लगातार ग्रोथ हो तो उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमें दो डायग्राम दिए हैं ए एंड बी। तो इसके लिए हम पहले एनसीईआरटी का पेज नंबर 242 देखते हैं जिसपे ये दोनों ग्रोथ दी हुई है। तो ए है अर्थमेटिक एंड बी है ज्योमेट्रिक। तो अर्थमेटिक ग्रोथ
रूट में पाई जाती है जिसमें केवल एक डॉटर सेल डिवाइड होती हैं, बाकी सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ए ओनली, जो कि केवल रूट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया ए बी सी आर रेस्पेक्टली, यानी कि यहाँ हमें एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया गया है जिसमें कि एटीपी बन रहा है, हमें ए बी सी बताना है। देखिए यहाँ पे दिया है ए बी एंड सी, तो इसका हम एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 234 पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, तो एक एटीपी के फॉर्मेशन के लिए दो एच आई एन एफ जीरो के थ्रू इनर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में एंटर करते हैं जिससे एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वन, यहाँ पे ए प्रेजेंट करेगा टू एच आई एन को, बी एफ नोट को एंड सी एफ वन को। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टली रिप्रेजेंट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ, यानी कि दिए गए डायग्राम में एक्स वाई जेड किसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड को बताना है, तो इसके लिए हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 210 पर चलते हैं जहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है। तो ये तीनों पिगमेंट है जो कि लीफ को कलर देते हैं, और इनमें से क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज के लिए, एंड क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा थ्री, यानी कि एक्स है क्लोरोफिल बी, वाई है कैरोटीनॉइड्स एंड जेड है क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैच एंड स्लैक पाथवे ए एंड बी रेस्पेक्टली रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे हमें हैच एंड स्लैक पाथवे दिखाया गया है जिसमें ए एंड बी पूछा गया है कि किसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये ए है एंड बी है, तो इसके लिए हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 219 देखते हैं जिसपे ये पाथवे दिया गया है। तो यहाँ पे ए है मिसोफिल सेल एंड बी है बंडल सीथ सेल, तो इसका राइट आंसर होगा वन, मिसोफिल सेल एंड बंडल सीथ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज शोन इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर में किस टाइप की रिएक्शन दिखाई गई है। तो इसे समझने के लिए हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 204 पे चलते हैं जहाँ पे रिएक्शन दी हुई है। तो इस रिएक्शन का नाम है ट्रांसएमिनेशन, जिसमें कि एक एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप दूसरे कीटोन एसिड के कीटोन ग्रुप में ट्रांसफर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा थ्री, ट्रांसएमिनेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सेटअप ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर द पर्पस ऑफ एक्स इज, यानी कि इस डायग्राम में एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर दिखाया गया है, इसमें एक्स का क्या मतलब है। तो इसमें पूछा है हमसे एक्स का क्या मतलब है, तो इसे समझने के लिए हम इसके एनसीईआरटी के पेज नंबर 195 पे चलते हैं जहाँ पे ये टेक्निक दी हुई है। तो इस टेक्निक को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं, इसका यूज सब्जियाँ जैसे कि टमाटो व सीडलेस कुकुम्बर के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करता है एरेटिंग ट्यूब को, जिसका काम वेसल के अंदर एयर एंटर कराना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर, एरेशन, जहाँ जिसके थ्रू वेसल्स में एयर एंटर करती है और इस पेड़ को न्यूट्रिशन मिलता है। द डायग्राम गिवेन बिलो शोइंग द पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन द रूट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टली रिप्रेजेंट, यानी कि इस दिए हुए डायग्राम में वाटर का मूवमेंट रूट में दिखाया गया है, इसमें ए बी सी एंड डी किसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कि इसमें ए बी सी एंड डी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे देखने के लिए हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 185 पर चलते हैं जहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पहले है सिम्प्लास्टिक पाथवे, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इंटरसेलुलर मूवमेंट को सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। यहाँ पे है एपोप्लास्टिक पाथ, यहाँ है जाइलम एंड यहाँ है फ्लोएम। तो देखिए इसका आंसर होगा थ्री, यानी कि ए है सिम्प्लास्टिक पाथवे, बी है एपोप्लास्टिक पाथवे, सी है जाइलम एंड डी है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेल अंडरगोइंग माइटोसिस इज एट, यानी कि इस सेल में माइटोसिस हो रहा है, यह माइटोसिस की कौन सी स्टेज है। तो इसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 165 पर जिस पे ये डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए ये माइटोसिस की लेट प्रोफेज स्टेज है, इस स्टेज में न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है और क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा टू, लेट प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टडी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए पार्ट ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोटीन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें हाइपोथेटिकल प्रोटीन के पार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट इज सेरीन, यानी कि ये सेरीन है। सेकंड इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एंड कैन बी मेथियोनिन, यानी कि ये स्ट्रक्चर मेथियोनिन का हो सकता है। थर्ड इज एरोमेटिक एमिनो एसिड एंड कैन बी टायरोसिन। एंड फोर्थ इज एन एसिडिक एमिनो एसिड, यानी कि इसमें फर्स्ट को बताया गया है सेरीन, सेकंड को मेथियोनिन, थर्ड को टायरोसिन एंड फोर्थ को एसिडिक एमिनो एसिड। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 150 देख लेते हैं, जिस पर डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट है सेरीन, सेकंड है सिस्टीन, थर्ड है टायरोसिन एंड फोर्थ है ग्लूटामिक एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी कि इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट जो है इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्यूटर आयन इज शोन बाय, यानी कि इनमें से कौन ज्यूटर आयन शो करता है। तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी। हमें बताना है कि इनमें से ज्यूटर आयन कौन शो करता है। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी के पेज नंबर 144 पे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें बी इज कॉल्ड ज्यूटर आयन, तो इसमें बी ज्यूटर आयन है, क्योंकि ज्यूटर आयन एक डाईपोलर आयन होता है जिसमें एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए ये ज्यूटर आयन है। तो इसका राइट आंसर होगा टू, ओनली बी, यानी कि बी एक ज्यूटर आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द क्रोमोसोम शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, इस क्रोमोसोम के डायग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ हमें एक क्रोमोसोम का डायग्राम दिया है, साथ में चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 139 पे चलते हैं, जहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए ये दिया हुआ डायग्राम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का है, जिसमें सेंट्रोमियर मिडल में पाए जाते हैं और इसकी एक आर्म पर सैटेलाइट होता है एंड दूसरी आर्म पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, इट इज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विद अ कॉल्ड सैटेलाइट, द ए इज सैटेलाइट एंड बी कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ सेल द स्ट्रक्चर ऑफ विच इज शोन इन द गिवन डायग्राम, यानी कि इस डायग्राम में हमें एक सेल का पार्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, इट इज़ नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स, इट सर्व्स टू प्रोवाइड अटैचमेंट विद सरफेस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज फ्लेजिलिन, इट इज कैन बी यूज फॉर मूवमेंट बाय अ यूकैरियोटिक सेल। तो इसके लिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 137 देख लेते हैं, जिसपे डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए ये दिया हुआ डायग्राम सेक्शन ऑफ सीलिया या फिर फ्लेजिला का है, जिसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए हैं और इसका यूज यूकैरियोटिक सेल मूवमेंट के लिए करती है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा डी, इट कैन बी यूज फॉर मूवमेंट बाय अ यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आर लोकेटेड इन, यानी कि इस दिए हुए क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम किस पार्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें चार पार्ट दिखाए गए हैं, ए बी सी एंड डी। हमें बताना है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले एंजाइम इसके किस पार्ट में पाए जाते हैं। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 136 देख लेते हैं, जिस पे डायग्राम दिया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रोमा एंड यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी कि स्ट्रोमा में ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी कि डी, जो कि है स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी, तो हमें बताना है कि इस दिए हुए डायग्राम में ए एंड बी के लिए क्या सही है। तो इसके लिए हम देखते हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 133, जिस पे डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ए है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम पाए जाते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, एंड बी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, दे सिंथेसाइज स्टेरॉयडल हार्मोन इन एनिमल सेल्स, दे आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, दे आर कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, दे आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। लेकिन इसका फर्स्ट
ऑप्शन भी सही है, लेकिन केवल ए पार्ट के लिए, क्योंकि आरईआर ही हैं जो केवल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन मेल कॉकरोच वेयर द स्पर्म आर स्टोर्ड। इनमें से किस स्ट्रक्चर में मेल कॉकरोच के स्पर्म स्टोर होते हैं? तो चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी एंड डी, जिसमें से ए है फैलिक ग्लैंड, बी है सेमिनल वेसाइकल, सी है वास डेफरेंस एंड डी है इजेकुलेटरी डक्ट। जिनमें से बी में यानी कि सेमिनल वेसाइकल में मेल कॉकरोच के स्पर्म स्टोर होते हैं। एंड इसके अलावा ए जो कि है फैलिक ग्लैंड, हमारी पोस्टेड ग्लैंड की तरह होती है। तो इसका राइट आंसर होगा टू बी, यानी कि सेमिनल वेसाइकल, जिसमें कि मेल कॉकरोच के स्पर्म स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेमिनल वेसाइकल, जिसमें कि मेल कॉकरोच के स्पर्म स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम ऑफ एरियोलर टिश्यू आइडेंटिफाई या फैगोसिटिक सेल। इस दिए हुए एरियोलर टिश्यू के डायग्राम में फैगोसिटिक सेल को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 103 देखते हैं, जिसपे ये डायग्राम दिया हुआ है। और ये डायग्राम है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें से है एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू में मैक्रोफेज सेल को ही फेगोसिटिक सेल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मैक्रोफेज सेल, जिसे कि फेगोसिटिक सेल भी कहते हैं। द एपिथीलियम शोन इन द गिवन डायग्राम इज फाउंड इन। इस डायग्राम में दिखाई गई एपिथीलियम कहाँ पाई जाती है? पीसीटी, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब या फिर थायरॉयड फोलिकल सेल्स। तो यह डायग्राम एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 पे दिया हुआ है, जो कि कोलुमनर सीलेट एपिथीलियम का है, और ये होलो ऑर्गन के इनर सरफेस पर पाई जाती है, जैसे कि ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। इनका काम पार्टिकल्स को मूव कराना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा थ्री, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन इज ऑफ, यानी कि दिया गया ट्रांसवर्स सेक्शन किसका है? मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट या फिर डाइकोट रूट। तो इसका राइट आंसर है वन, मोनोकोट स्टेम। तो ये दिया गया ट्रांसवर्स सेक्शन मोनोकोट स्टेम का है, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 92 पे दिया हुआ है। द वेस्कुलर बंडल सोन इन द डायग्राम इज मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन। इस डायग्राम में दिखाया गया वेस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है? मोनोकोट स्टेम में, डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट रूट में या फिर डाइकोट रूट में। तो इसका राइट आंसर है टू, डाइकोट स्टेम, क्योंकि डाइकोट स्टेम में फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप पाई जाती है, जिसके कारण इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और इसीलिए इन्हें ओपन वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। जबकि मोनोकोट स्टेम में बीच में कैम्बियम स्ट्रिप नहीं पाई जाती है, इसलिए उन्हें क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर होगा टू, डाइकोट स्टेम, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है। तो ये है डाइकोट स्टेम एंड ये है मोनोकोट स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू शोन बिलो इज। इस प्लांट टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइडिंग बायोंसी टू सबमर्ज प्लांट्स, मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी की पेज नंबर 86 पर दिया हुआ है, जो कि कोलेन काइमा का प्लांट है, और इनका मेन काम होता है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ अ लीफ। तो इसका राइट आंसर होगा थ्री, मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोरल डायग्राम शोन इन द गिवन डायग्राम कैन बी ऑफ, यानी कि इस डायग्राम में दिखाया गया फ्लोरल डायग्राम किसका है या फिर इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है प्लांट डैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल डैट कैन डिस्टर्ब माइटोटिक स्पिंडल, सेकेंड ऑप्शन डेडली नाइटशेड, थर्ड ऑप्शन इंडिगोफेरा प्लांट अ सोर्स ऑफ डाई, फोर्थ ऑप्शन अ पल्स प्लांट। तो यह डायग्राम एनसीईआरटी के पेज नंबर 81 पर दिया गया है, जो कि है लिलिएसी फैमिली का, और जिसमें कि कॉल्चिकम ऑटोमेल आता है, जिससे कॉल्चिन प्राप्त होती है और जो कि माइटोटिक स्पिंडल को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वन, अ प्लांट डैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल
डेट कैन डिस्टर्ब माइटोटिक स्पिंडल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन सोन इन द गिवन डायग्राम इज सेनेन. यानी कि इस टाइप का प्लेसेंटेशन किस प्लांट में पाया जाता है. तो चार ऑप्शन है, चाइना रोज, मस्टर्ड, मैरीगोल्ड या फिर डाइंथस. तो इसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 75 पर. तो देखिए, ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है जो कि डायंथस एंड प्रिमरोज में पाया जाता है. तो इसके लिए राइट आंसर होगा 4, डायंथस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एस्टिवेशन सीन इन कैलोट्रोपिस इज रिप्रेजेंटेड बाय. कैलोट्रोपिस में इनमें से कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है. तो इसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 74 पर, जिस पे इसका डायग्राम दिया हुआ है. तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो कि है वॉलवेट. यानी कि कैलोट्रोपिस में वॉलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है. तो इसका राइट आंसर है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ द ओवरी सोन इन द गिवन डायग्राम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. इस दिए हुए डायग्राम में ओवरी की कौन सी कंडीशन दिखाई गई है. तो चार ऑप्शन है, पेरिगाइनस, इपिगाइनस, सुपीरियर या फिर हाफ इन्फीरियर. तो देखिए, इसमें फ्लोरल पार्ट सेम लेवल पर दिखाए गए हैं, इसलिए ये कंडीशन हाफ इन्फीरियर ओवरी की है, जिसके एग्जाम्पल होते हैं प्लूम, रोज एंड पीच. तो इसलिए इसका राइट आंसर है 4, हाफ इन्फीरियर, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 73 पर दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ फ्रूटेस. इनमें से कौन सा रीजन रूट की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है. तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी एंड डी. तो इसके लिए हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 67 देख लेते हैं, जिसपे डायग्राम दिया है. तो यहाँ पे दिया है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे रूट हेयर एंड यहाँ पे रूट कैप. तो रीजन ऑफ इलोंगेशन रूट की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है. तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, रीजन ऑफ इलोंगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टर डेट गिव द फाइलम कोर्डेटा इज सोन बाय. यानी कि वह करेक्टर जिसके कारण फाइलम कोर्डेटा का नाम कोर्डेटा पड़ा. तो यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी, चार ऑप्शन दिए हैं. तो इसलिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 55 पर, जिस पे डायग्राम दिया है. तो यहाँ पे दिया है नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट एंड पोस्ट एनल टेल. तो इसका राइट आंसर होगा नोटोकॉर्ड, जिसके कारण इनका नाम कोर्डेटा पड़ा है. तो इसके लिए राइट आंसर है बी, यहाँ पे नोटोकॉर्ड पाई जाती है. द स्ट्रक्चर सोन इन द गिवन डायग्राम इज करेक्टरिस्टिकली सीन इन द फाइलम. दिया हुआ डायग्राम किस फाइलम का करेक्टरिस्टिक फीचर है. तो चार ऑप्शन है, पोरीफेरा, टीनोफोरा, निडेरिया या फिर मोलस्का. तो इसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 पर, जहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. तो ये दिया हुआ डायग्राम नीडोब्लास्ट का है, जिसका यूज निडेरियंस एनकरेज, डिफेंस और प्रे को पकड़ने में किया करते हैं. तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा फाइलम निडेरिया, थर्ड ऑप्शन. एन एनिमल विद द फॉलोइंग बॉडी वाल ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट हैव. यानी कि जिस एनिमल में ये बॉडी वाल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें क्या नहीं होगा. सेफलाइजेशन, थ्री जंप लेयर, बायलेटरल सिमेट्री या फिर अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो इसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पर, जहाँ पे ये डायग्राम दिए हुए हैं. तो वो दिया हुआ डायग्राम ए सिलोमेट है, जो कि प्लेटी हेलमेंथीज में पाया जाता है, और प्लेटी हेलमेंथीज में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं पाया जाता है. यानी कि द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट आर कॉल्ड ए सिलोमेट, एग्जाम्पल प्लेटी हेलमेंथीज. तो इसका राइट आंसर होगा 4, ए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि ए सिलोमेट एनिमल्स में नहीं पाया जाता है. द लाइफ साइकिल पैटर्न सोन इन द गिवन डायग्राम इज नॉट सेन इन. इस डायग्राम में दिखाई गई लाइफ साइकिल किसमें नहीं पाई जाती है. चार ऑप्शन है, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, वोल्वोक्स या फिर एक्टोकार्पस. तो चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 पर, जिसपे ये डायग्राम दिया हुआ है. तो ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, जो कि स्पायरोगायरा, वोल्वोक्स एंड क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, लेकिन एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है. इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4, एक्टोकार्पस, जिसमें कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल नहीं पाई जाती है. द गिवन डायग्राम शोस एन एल्गा दैट लैक फ्लैजेलेटेड सेल्स, अ लीवरवर्ट, अ हेटरोस्पोरस, टेरिडोफाइट,
आर जिम्नोस्पर्म विद नॉन मोटाइल स्पर्म्स। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 पर दिया हुआ है। इस प्लांट का नाम होता है साल्विनिया, जो कि एक हेट्रोस्पोरस फर्न है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3, अ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्लांट सोन इन द गिवन डायग्राम। इस दिए हुए डायग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये डायग्राम एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर दिया हुआ है, जो कि मार्केंसिया का फीमेल प्रोथेलस है, जिसमें ये आर्किगेनियोस्पोर एंड यहाँ पे गैमा कप पाए जाते हैं एंड इसकी जड़ों को राइजोइड्स कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2, दिस इज द फीमेल प्रोथेलस ऑफ मार्केंसिया, ए इज आर्किगेनियोस्पोर एंड बी इज गैमा कप। वाट इज ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी? ए और बी दोनों के लिए क्या सही है? आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बीइंग ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट, या फिर कैन बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पर दिए हुए हैं, जिनमें ए टोमैको बोजैक वायरस एंड बी बैक्टीरियोफेज हैं। तो ये दोनों ही ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3, बीइंग ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट।